हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट रिगार्डिंग दी गॉस आइंसटाइन कंडेंसेशन एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। सो विच ऑफ दी फॉलोइंग एटम्स कैन नॉट एग्जिबिट गॉस आइंसटाइन कंडेंसेशन। तो गॉस आइंसटाइन कंडेंसेशन हम कल डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपरली, प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें चूज करना है। इवन इन प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे हो जाता है कि आपके जो बेसिक रूल है बोस आइंसटाइन कंडेंसेशन के, उसको फॉलो अप ये करते हैं कि नहीं करते। तो प्रैक्टिकल फिजिक्स की बात नहीं हो रही है, रादर देन थ्योरेटिकल फिजिक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका बेसिक रूल क्या होता है। तो फॉर बोस आइंसटाइन कंडेंसेशन हमारे पास बेसिक सा रूल होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सारे के सारे यहाँ पे इवन होने चाहिए। ये थंब रूल आप रिमेम्बर रख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोजन का है, 1H1 है। इसमें के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी 1 होगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है यहाँ पे 0 होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन रिजल्ट क्या बनेगा, 2 आएगा सम, विच इज इवन नंबर। तो ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है, यहाँ पे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन को ये फॉलो करेगा। तो फॉर द केस ऑफ 4H2, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बनेंगे, यहाँ पे 6 पार्टिकल्स बन जाएंगे। एंड इट विल बी अगेन फॉलोइंग दी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। 23 सोडियम, इसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का सम कितना आएगा, 44। एंड ये भी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन को फॉलो अप करेगा। एंड जो लास्ट वाला है 30 पोटासियम, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन को फॉलो अप नहीं करेगा, विच इज इट इज बिकॉज दी सम इज ए ऑड नंबर। तो हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है ये एक ऑड नंबर है। तो हमारे पास जो इसकी ऑप्शन आएगी, करेक्ट ऑप्शन आएगी, दैट विल बी डी। ये डी ऑप्शन जो हमारी है पोटासियम, इट विल नॉट बी फॉलोइंग दी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन फिनोमेना। तो चलिए ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन में क्या होता है, पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, कंडेंस इन रियल स्पेस, हैव ओवरलैपिंग वेव फंक्शंस, हैव लार्ज एंड पॉजिटिव केमिकल पोटेंशियल। तो ये बेसिक थ्योरेटिकल फिजिक्स का पार्ट आ जाता है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन में पहली जो फोर्थ ऑप्शन में आपको पहले बता देता हूँ, इसको हम आज डिस्कस भी करेंगे। लास्ट मैंने बताया था कि जो केमिकल पोटेंशियल होता है वो हमेशा ही नेगेटिव होता है बोस आइंस्टाइन गैस के लिए। तो केमिकल पोटेंशियल की वजह से ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी पता था, ये हमेशा ही गलत होगा। कंडेंस इन रियल स्पेस, ये वाला कोई फंडा नहीं होता यहाँ पे। हैव स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, इसका भी कोई मेंशन नहीं होता। जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, स्टैटिस्टिकल फेनोमेना है यहाँ पे, तो हम इसके रिगार्डिंग नहीं जाएंगे। तो हमारे पास यही ऑप्शन होती है कि पार्टिकल के जो वेव फंक्शन होते हैं, अगर एक ही स्टेट में लाई करना है तो उनके वेव फंक्शन हमेशा ही ओवरलैपिंग स्टेट में एग्जिस्ट करने चाहिए। तो इसी वजह से हमारी जो सी ऑप्शन होती है बेटा वो करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रखा है, लार्ज नंबर ऑफ आइडियल बोसोन से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में देखा गया है। ए लार्ज नंबर ऑफ आइडियल बोसोन्स ईच ऑफ मास एम आर ट्रैप्ड इन ए 3 डायमेंशनल पोटेंशियल। हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन आ गया बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर पार्टिकल्स ट्रैप है, बोसोन्स ट्रैप कर दिए गए हैं। तो दी बोसोनिक सिस्टम इज कैप्ट एट ए टेम्परेचर टी विच इज मच लोअर देन दी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन टेम्परेचर। मतलब हमारा जो क्रिटिकल टेम्परेचर से जो टेम्परेचर है काफी कम है, मतलब यहाँ पे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन हो रही है। दी केमिकल पोटेंशियल विल सेटिस्फाई, तो केमिकल पोटेंशियल यहाँ पे क्या सेटिस्फाई करने की जो लिमिट है हमें दे रखी है। चार ऑप्शन है, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ए, वो क्यों आएगा। तो मैंने पहले ही बता दिया कि केमिकल पोटेंशियल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है कि केमिकल पोटेंशियल हमेशा ही नेगेटिव होता है बोस आइंस्टाइन गैस के लिए। जो बोस गैस होती है उसका केमिकल पोटेंशियल नेगेटिव होता है। यहाँ पे हम एक चीज और यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि केमिकल पोटेंशियल जो होता है, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है उससे भी कम होता है। क्यों होता है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो ऑक्यूपेशन नंबर है हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, 2-3 लेक्चर हो गए उनमें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ऑक्यूपेशन नंबर की बात करें, तो ऑक्यूपेशन नंबर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे कितने आएंगे, फॉर दी ग्राउंड स्टेट इट विल टर्न आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाई e रेस टू पावर। अगर एनर्जी को जीरो पर दोगे, बिकॉज ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर दी बोस गैस हम यहाँ पे जीरो के साथ जा रहे हैं, तो इट विल टर्न आउट टू बी ई रेस पावर माइनस म्यू बाई के टी। सो हम यहाँ पे इसको अगर बात करें कि इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ई रेस पावर एक्स को अगर आप एक्सपेंड करोगे इट विल टर्न आउट टू बी 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करोगे तो ये वाला 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस के टी डिवाइडेड बाई म्यू
विच इज लेसर देन जीरो इफ केमिकल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये चीज डाइवर्ज कर जाएगी। इक्वेशन नंबर कैन नॉट बी लेस देन जीरो, बस पर पार्टिकल की ऑक्यूपेंसी की प्रोबेबिलिटी है ये पार्टिकल वहां पे लाई करेंगे, तो इट कैन नॉट बी अ लेसर देन जीरो नंबर। तो इसी वजह से हमारा जो केमिकल पोटेंशियल होता है हमेशा ही नेगेटिव होता है, एंड फॉर द बोस गैस एंड केमिकल पोटेंशियल। अगर यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की बात करें तो उसकी वजह से डाइवर्ज हो रहा है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे ये भी लिखते हैं कि केमिकल पोटेंशियल इट शुड बी लेसर और लेस देन और इक्वल टू फॉर द केस ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो ये भी हम यहाँ पे लिखते हैं साथ के साथ। ये बार एक फिगर मुझे इंटरनेट के ऊपर मिली थी, वहां से भी आप देख सकते हो, ये केमिकल पोटेंशियल विल बी लार्जर फॉर द केस ऑफ फर्मी ट्रैक स्टैटिस्टिक, फर्मी गैस के लिए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्लासिकल गैस विच इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू बोस गैस। मतलब सबसे कम केमिकल पोटेंशियल किसका होगा, बोस गैस के लिए, उससे ज्यादा होगा क्लासिकल के लिए, और उससे भी ज्यादा होगा फर्मी ट्रैक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करने वाली फर्मी गैस के लिए। तो ये चीज आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। एक ग्राउंड स्टेट के लिए आप देख सकते हो कि ग्राउंड स्टेट से ऊपर केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू नहीं जा रही है अगर बोस गैस है, लेकिन केमिकल पोटेंशियल फॉर दी फर्मी क्लासिकल केस इट इज ग्रेटर एंड इट इज इवन ग्रेटर फॉर द केस ऑफ फर्मी गैस। फर्मी गैस एंड क्लासिकल गैस के लिए केमिकल पोटेंशियल ग्राउंड स्टेट एनर्जी से ज्यादा होता है। तो हम अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर, आपको पोटेंशियल देख के पता चल जाना चाहिए था कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी आएगी। अगर थ्री डायमेंशन का केस है तो हम यहाँ पे थ्री हाफ के साथ जाएंगे, अगर आपका वन डायमेंशनल केस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन हाफ के साथ जाएंगे। तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है तो एनर्जी शुड बी इक्वल टू एन प्लस थ्री हाफ इंटू एच क्रॉस ओमेगा, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एन इक्वल टू वी यूज करेंगे, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या आ जाएगी, थ्री हाफ एच क्रॉस ओमेगा आ जाएगी। सो हमारा जो केमिकल पोटेंशियल है इससे कम होना चाहिए, सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी से कम होना चाहिए, तो केमिकल पोटेंशियल इज लेसर देन और इक्वल टू फॉर थ्री हाफ एच क्रॉस ओमेगा विच इज आर ऑप्शन ए है। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। तो अगर आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन हो तो यहाँ पे उसको यूज करके आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको सब आता होगा लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूरी है जहां से आप ये वाली डिटेल फॉलोअप कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा गलत, सी ऑप्शन भी गलत और डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।